पाकिस्तान ऑटो शो 2011 का इफ्तिता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड एतजाज न्याजी ने किया, जबकि चेयरमैन पपाम सैयद नबील हाशमी, रजा अकरम परवेज गयास, मोहम्मद अकरम, सिकंदर मुस्तफ़ा खान, मुनीर राना समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एतजाज न्याजी ने कहा कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल के शोबे में सरमायाकारी करने की जरूरत है। उनका कहना था कि इंजीनियरिंग बोर्ड बहुत जल्द ऑटोमोबाइल के शोबे में हुनरमंद अफराद की तरबियत का काम शुरू कर देगा। पाकिस्तान ऑटो शो 2011 में मुल्की और गैर मुल्की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और मुख्तलिफ किस्म के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर सैयद नबील हाशमी का कहना था कि हुकूमत को ऑटोमोबाइल की सनत के फरोग के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुरतब करना होगी। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से इस सिलसिले में सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसी और ड्यूटियां खत्म करने का मुतालबा करते हैं। सैयद नबील हाशमी का कहना था कि ट्रैक्टर्स पर आयद 16% GST ज्यादती है, जिसे फौरी खत्म करना चाहिए। हमें प्रॉब्लम जो मुख्तलिफ आते रहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पॉलिसीज वक्फन वक्फन बदलती रहती है और हमें इससे बहुत ज़्यादा मसाइल और मसले रहते हैं, बट अंडरस्टूड ये बात है कि दुनिया के बेशतर जो मुल्क हैं जिन्होंने भी तरक्कियाँ की हैं जनाब, वो उन्होंने तरक्कियाँ की हैं जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सपोर्ट किया, और वो इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जनाब वाला वो यहाँ इस वक्त इस मुल्क के अंदर ये दो हॉल्स के अंदर हमने एग्जिबिट किया। लगभग कोई 18,000 के करीब पुर्जा जात ये एग्जिबिट में हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक, बसेस, हार्वेस्टर्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जनरेटर्स जो आपके इस मुल्क के अंदर बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। इस मौके पर स्टॉल होल्डर्स का कहना था कि नुमाइश से जहां उनकी मसनूआत को पजीराई मिलती है, वहीं ऑटोमोबाइल की सनत में होने वाली जदीद असलाहत से भी आगाही हासिल होती है। उनका कहना है कि ये नुमाइश ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइश है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉल्स मुकामी मैन्युफैक्चरर्स ने लगाए हैं। बड़ा सेटअप है, काफ़ी मेहनत की गई है और इसमें रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जिसके थ्रू यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह से हमें काफ़ी मदद भी मिलेगी मार्केट एक्सप्लोर करने में लाहौर में और ऑल ओवर पाकिस्तान। एग्जीबिशन का मकसद यही है कि वो बताया जाए कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने क्या प्रोग्रेस हासिल की है गाड़ियों के हवाले से और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको। अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी तो होता यह है कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है और जो पार्ट्स इस वक्त लोकलाइज नहीं कर पाते इसलिए कि उसमें इनकी तादाद इतनी नहीं होती कि उसको बना के बेचा जा सके, वो फिर इकोनॉमिकल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा फोरम है एग्जीबिशन, जिसमें ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, हम बाहर की कंपनी को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फोरम है ये जो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान ऑटो शो 2011 के इनेकाद से जहां मुकामी ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को पजीराई हासिल हो रही है, वहीं मंदूबीन को इस सनत में होने वाली जदीद असलाहत के बारे भी आगाही मिल रही है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42 एक्सपो सेंटर।